अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बच्चों का फेवरेट ओरियो चॉकलेट बार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट्स लिए हैं, हमने 3 पैकेट ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। मिल्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है 3 स्लैब, व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है 2 स्लैब। एल्युमिनियम ट्रे लेंगे और चॉकलेट मोल्ड लिया है हम चॉकलेट सेट करने के लिए। पहले हम बिस्किट्स में से क्रीम निकाल लेंगे। अब हम बिस्किट के छोटे छोटे पीसेस करना है, पाउडर फॉर्म नहीं बनाना है हमें। चॉकलेट कंपाउंड को हम 40 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये स्मूथ और ग्लॉसी ना हो जाए। चॉकलेट मोल्ड में हम ये मेल्टेड चॉकलेट का मिक्सचर डाल लेंगे। इवनली हमें इसे स्प्रेड कर लेना है। अब हम इसे इस तरह से पकड़ के एक्सेस हम जो चॉकलेट है वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एक थिन शीट चाहिए चॉकलेट की। अभी हम इसके अंदर स्टफिंग करने वाले हैं, इसलिए हमें एक थिन कोटिंग चाहिए चॉकलेट का। इसे हम फ्रिज में रख देंगे 5 मिनट के लिए, फ्रीज कर लेंगे। एल्युमिनियम ट्रे में हम मेल्टेड चॉकलेट डाल लेंगे। अच्छी तरह से इसे इवनली कोट कर लें और इसे फ्रीज में रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को 40 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। इसके अंदर ओरियो क्रीम डाल लेंगे। 40 सेकंड्स के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक ये स्मूथ और ग्लॉसी ना हो जाए। अब हम इसके अंदर ओरियो बिस्किट्स डाल लेंगे। आपको इसका बिस्किट का पाउडर नहीं डालना है, वरना ये बिल्कुल ब्राउन कलर जैसे बन जाएगा। हमें व्हाइट कलर रखना है क्रीम मिक्सचर को। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम चॉकलेट मोल्ड को फ्रीजर में से निकाल लेंगे और ये ओरियो बिस्किट का मिक्सचर इसके अंदर स्टफ कर लेंगे। इसके ऊपर हम मेल्टेड मिल्क चॉकलेट डाल लेंगे। अच्छी तरह से इसे कवर कर लेना है हमें। इस तरह से पूरा कवर होने देंगे। उसके बाद इसे टैप कर लेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए। इसे रेफ्रिजरेट कर लेंगे 30 मिनट्स के लिए। अब हम एल्युमिनियम ट्रे निकाल लेंगे फ्रीजर में से। इसके अंदर भी हम ओरियो का मिक्सचर डाल लेंगे, स्टफिंग कर लेंगे इसकी, मेल्टेड चॉकलेट डाल लेंगे। अच्छी तरह से इसे कोट कर लेना है ऊपर से। इसे भी हम 30 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में। 30 मिनट्स के बाद इसे डीमोल्ड कर लेना है। देखिए कितना अच्छा ओरियो चॉकलेट बनके तैयार हो गया है। एक तेज छुरी लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पीसेस निकाल लेंगे ताकि इसे हम अच्छी तरह से फिनिशिंग टचेस दे सकें। बिल्कुल बाजार जैसी ओरियो चॉकलेट बनके तैयार हो गई है। देखिए अंदर से बिल्कुल वाइट चॉकलेट और ओरियो बिस्किट दिख रही है। अब हम एल्युमिनियम ट्रे का भी चॉकलेट को डीमोल्ड कर लेंगे। ओरियो चॉकलेट तैयार हो गई है। अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। बाजार जैसी ओरियो चॉकलेट तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी